तो हेलो, कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस यार, फाइनली वो टाइम आ गया जब मुझे आप लोगों को यार अपना सीक्रेट बताना पड़ेगा। एंड काफ़ी टाइम से यार मैंने ये चीज़ छुपा रखी, लेकिन आज मुझे लगा यार मुझे आप लोगों को यार ये चीज़ बतानी पड़ेगी। सो गाइस, ये सीक्रेट हमारा टाउन हॉल 12 सो गाइज, ये अपना फुली मैक्स आउट टाउन हॉल 12 है। एंड मुझे नहीं लगता यार आप में से किसी को इसके बारे में पता होगा। एंड गाइज, फुली मैक्स आउट है, डिफेंस सारा का सारा मैक्स आउट है। सिर्फ यहाँ पे वॉल्स बची हुई है, 271 वॉल्स यहाँ पे अभी तक यार बची हुई है। एंड एक वॉल को अपग्रेड करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 50 लाख गोल्ड, 50 लाख एलिक्सर या फिर 50 लाख गोल्ड, दोनों से आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। एंड मेरी प्रोफाइल में देख सकते हो सब कुछ मैक्स है, सिर्फ गोलम एंड आइस गोलम को छोड़कर। आइस गोलम मैंने यहाँ पे अपग्रेड के ऊपर लगा रखा है, 8 घंटे के बाद अपना आइस गोलम भी फुली मैक्स आउट हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद हम लोग यार अपने गोलम को मैक्स आउट होने के लिए लगा देंगे, ठीक है गाइज। सो गाइज, अभी हम लोग यार पुशिंग कर रहे हैं एंड हमारी ट्रॉफीज देख सकते हो 5225। एंड अगर आप लोगों को यार मैं अपनी ग्लोबल रैंक बताऊँ ना, तो आप लोग मेरी ग्लोबल रैंक यहाँ पे देख सकते हो 19415, ये हमारी ग्लोबल रैंक है। एंड एक बार इंडिया में भी देख लेते हैं हमारी इंडिया में रैंक कितनी है। एंड नीचे चलते हैं, एक बार देखते हैं भाई इंडिया में। आई थिंक यार टॉप 1000 में तो होऊंगा मैं। हाँ गाइज, 722वें नंबर पे हूँ मैं इंडिया में। एंड अभी हम लोग यार अटैक के ऊपर चलेंगे, अभी हम लोग यार अटैक करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग यार एटलीस्ट टॉप 300 तक आ सकते हैं क्या। टॉप 300 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, टॉप 450 देखेंगे। एंड ये रही मेरी अटैक स्ट्रेटजी, 44 ऑक्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड स्केलेटन्स पहले यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली गाइज, इस अटैक स्ट्रेटजी का नाम है सुसाइड हॉक्स। सो गाइज, इसी अटैक स्ट्रेटजी के साथ अभी हम लोग अटैक करने वाले हैं। लेकिन गाइज, अटैक पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार, सब्सक्राइब कर लो गाइज। अपने को फटाफट से 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं। सो जिसने भी यार सब्सक्राइब नहीं किया है, करो यार, कुछ भी करो चाहे, लेकिन सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइज, लाइक एम करते हैं यार 301 लाइक का, वो भी कंप्लीट करवा देना। एंड कमेंट करो यार, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो चलिए गाइज, दोनों पैर से छलांग लाते हैं आज की चलिए वीडियो की तरफ। सो हे गाइज, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो भी हम लोग यार अटैक के ऊपर चलेंगे। अटैक स्ट्रेटजी तो आप लोगों को पता है, सुसाइड हो गया यहाँ पे अटैक स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों का एक बार अपना बैटल लॉग दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वाला अटैक अपना 49%, वो भी एक्स्ट्रा के साथ। गाइज, ये अटैक ना काफ़ी ट्रोल हो गया था। बड़ी मुश्किल से यार मैंने वहाँ पे टाउन हॉल को डाउन किया। एंड मेन थिंग क्या हुआ यार उस अटैक में, मैं सीसी को ही नहीं मार पाया यार, अपोनर के सीसी को ही नहीं मार पाया। वहाँ पे विचिस थी एंड इतने ज़्यादा स्केलीज निकल गए ना यार विचिस से, भाई काफ़ी ट्रोल हो गया था अटैक। लेकिन फिर भी उससे पहले एक हम लोगों ने यार ट्रिपल निकाला है एंड उससे पहले 96% वो अटैक यार हमारा टाइम फेल हो गया था। सो भी हम लोग अटैक के ऊपर चलते हैं एंड 1 2 3 बूम, ठीक है। सो भी हम लोग अटैक के ऊपर चलेंगे एंड ओ भाई साहब, बेस देख रहे हो यार, यार ये अटैक शरीर ना ऐसे बेसिस के लिए नहीं बनी है, ठीक है। लेकिन अटैक तो करना पड़ेगा यार अब। सो कहाँ से करूँ, यहाँ पे वो रिकर ही यूज़ करूँगा मैं, स्टोन स्लैमर यूज़ नहीं करूँगा, वो रिकर यूज़ करना सही रहेगा। एंड इधर ईगल आर्टिलरी है, क्वीन यहाँ पे है, सीसी भी यहीं पे है, मल्टी टारगेटेड इन्फर्नो है, एक सिंगल टारगेटेड है इस तरफ। एंड हाँ गाइस, तो ये बेस है यार अपने पास एंड काफ़ी ख़तरनाक बेस है। तो सबसे पहले यार मैं यहाँ पे आइस गोलम डाल दूंगा, पीछे से वॉरिकर आएगी, किंग आ जाएगा, क्वीन आ जाएगा एंड इधर आएगा विजार्ड। एंड यहाँ पे पॉइजन कर देता हूँ यार, सीसी यहाँ पे निकल चुका है, एक लावा हाउंड निकला है गाइस, सीसी से एक लावा हाउंड भी निकला है। इस तरफ एक बैलून एंड बेबी ड्रैगन, जिसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। एंड किंग की एबिलिटी मुझे यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। सीसी यहाँ पे काफ़ी दिक्कत दे रहा है गाइस, अपोनेंट की क्वीन भी काफ़ी दिक्कत दे रही है। क्या मुझे यहाँ पे रेस्पेल यूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं, रेस्पेल नहीं कर रहा मैं, यूज़ नहीं कर रहा हूँ यार रेस्पेल को। एंड लावा हाउंड यहाँ पे बर्स्ट हो चुका है एंड अपनी क्वीन को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा भाई साहब फटाफट से। 10% हम लोग ने यार यहाँ पे निकाल लिया है। एटलीस्ट गाइस अपने को किसी भी तरह ना 2 स्टार तो निकालना है यार। क्वीन की एबिलिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, मल्टी टारगेटेड इन्फर्नो है, सो काफ़ी दिक्कत देगा भाई साहब, ये बाद में काफ़ी दिक्कत देगा। एंड अपन की क्वीन भी डाउन नहीं हो पाई, सो अभी मुझे होगिंग स्टार्ट करनी है। एंड होगिंग मैं स्टार्ट करूँ किस तरफ से, ओके तो गाइस इस तरफ से मैं होगिंग स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे कुछ पहले होक्स डाल देता हूँ मैं एंड फना क्रिएट हो जाएगा। इस तरफ से मैं सारे के सारे ऑक्स स्पैम कर देता हूँ, सारे के सारे ऑक्स मैंने यहाँ पे स्पैम कर दिए, पीछे से आ जाएगा वॉर्डन एंड विजार्ड डाल देता हूँ ताकि फटाफट से क्लीन अप होता रहे। एंड यहाँ पे आ जाएगी गाइज अपनी पहली एलियन स्पेल एंड 21% हम लोगों ने यार यहाँ पे निकाल लिया है। एंड वॉर्डन एबिलिटी अभी तक हमारे पास पड़ी हुई है, सो ये अच्छी बात है। एंड गाइज, गीगा टेस्ला क्या यहाँ पे एक्टिवेट होगा? गीगा टेस्ला का एक्टिवेट होना यार बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो अटैक हमारा
एक स्टार ही रहेगा यार, सेकंड स्टार भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं स्केल्टन स्पेल डाल देता हूँ एंड अरे भाई साहब ये तो गीगा टेस्ला एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, क्या करूँ यार अब। गीगा टेस्ला ओके गाइस, फाइनली यार गीगा टेस्ला एक्टिवेट हो गया एंड वार्डन की एबिलिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। एंड ये वाली हीलिंग स्पेल हम लोगों ने यार गलत डाल दी यहाँ पे, एंड क्वीन के ऊपर मुझे यहाँ पे स्केल्टन स्पेल डालनी पड़ेगी। एंड एक हीलिंग स्पेल गाइस हम लोगों ने यार गलत यूज़ कर दी वहाँ पे, उसकी वजह से हमारा अटैक फेल भी हो सकता है गाइस यहाँ पे। एंड एटलीस्ट 80% हाँ 80% अटैक चला जाएगा गाइस। इधर से एक मिनियन डाल देता हूँ एंड 68%, क्या ये अटैक 80% तक जा सकता है? 70% हम लोगों ने यार यहाँ पे निकाल लिया। अगर 80% चला जाता है ना अटैक तो यार ज़्यादा बुरी बात नहीं है हमारे लिए, 80% भी अच्छी बात है, वो भी 2 स्टार, सो 80% सही है यार, ठीक है। 79 हाँ गाइस 80% 81% एंड मे बी यार 90% भी जा सकता है। इस तरफ यार टेस्ला फार्म था गाइस, टेस्ला फार्म देख रहे हो यार इस तरफ, ये भी भाई अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती मेरी टेस्ला फार्म के पास। एंड 83% 84% एंड हाँ गाइस हो गया यार अटैक ख़त्म। 86 एंड कितने परसेंट भाई, 87 चला जाएगा, 87 एंड 88 भी चला जाएगा, 88% ओके गाइस 88% हम लोग ने यार यहाँ पे निकाल लिया बेस के ऊपर। एंड ट्रॉफीज़ कितनी मिलेंगी, लगभग 28 हाँ गाइस 28 ट्रॉफीज़ अपने को मिली है यहाँ पे। एंड गाइस ये था अपना पहला अटैक एंड अभी हम लोग यार अपनी रैंक देखते हैं लोकल में कितनी रैंक आई। पहले हमारी 722 थी यानी कि 722 थी एंड अभी कितनी है रुको यार एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हमारी रैंक है गाइस 448, अभी हमारी रैंक है गाइस 448। तो ये अपना पहला अटैक था, तो अभी हम लोग यार एक और अटैक करेंगे ठीक है। सो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ एंड आर्मी हमारी ट्रेन हो रही है, जैसी आर्मी ट्रेन हो जाएगी ना उसके बाद हम लोग यार एक और अटैक करेंगे ठीक है गाइस। सो हे गाइस वेलकम बैक एंड आर्मी अपनी रेडी हो चुकी है। इससे पहले कि हम लोग अपना सेकंड अटैक करते हमारे ऊपर गाइस एक अटैक हो गया डिफेंस में एंड -13 हो गई। एंड इस -13 के बाद हमारी रैंक कितनी है अभी इंडिया में एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। पहले हमारी रैंक थी गाइस 448 यानी कि 448 एंड अभी हमारी रैंक कितनी है 581, 581 नंबर पे हूँ मैं इंडिया में। तो गाइस अभी हम लोग अटैक के ऊपर चलेंगे एंड सेम वही आर्मी मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ। तो चलते हैं गाइस अटैक के ऊपर, देखते हैं हम लोग ट्रिपल तो शायद दूर की बात है अभी हमारे लिए। तो चलते हैं अटैक के ऊपर 1 2 3 बूम ठीक है। सो ये रहा बेस गाइस एंड बेस यार काफ़ी तगड़ा बेस है एंड टाउन हॉल इस तरफ है एंड ईगल आर्टिलरी यार काफ़ी दूर है टाउन हॉल से। एंड सबसे पहले तो यार मुझे टाउन हॉल श्योर करना है, टाउन हॉल डाउन करना है सबसे पहले तो मुझे। सो अभी मैं टाउन हॉल की तरफ से ही अटैक करूँगा एंड फनल मुझे अच्छे से क्रिएट करना पड़ेगा। किंग अपने अंदर जाना चाहिए, क्वीन भी अपनी अंदर जानी चाहिए। सो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग स्लैमर हम लोग यार यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आ जाएगा अपना आइस गोलम ठीक है, यहाँ पे मैं आइस गोलम डाल देता हूँ। पीछे से आ जाएंगे अपने विजार्ड्स, इस तरफ एक बेबी ड्रैगन आ जाएगा एंड इधर डालूंगा मैं अपना स्ट्रॉन्ग स्लैमर। एंड हाँ स्ट्रॉन्ग स्लैमर इन वॉल्स को तोड़ देगा तो ये अच्छी बात है मान लिए। एंड ये टूट गई भाई साहब वॉल्स, यहाँ पे किंग डाल दिया, क्वीन डाल दिया मैंने एंड लेट्स सी गाइस कितना अच्छा कर पाएंगे हम लोग यार इस अटैक को। एंड यहाँ पे मैं बैटल मशीन सॉरी रेस पर यहाँ पे डाल देता हूँ, किंग की एबिलिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। एंड बैटल मशीन क्यों बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं बैटल मशीन क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो 12% मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, पॉइजन कर दिया मैंने सीसी के ऊपर। एंड होपफुली गाइस अगर ये यहाँ पे टेस्ला फार्म निकल जाता है ना, अपनी क्वीन अगर टेस्ला फार्म को डाउन कर लेती है तो शायद ये बेस यहाँ पे ट्रिपल निकल सकता है। अगर टेस्ला फार्म नहीं निकला फिर तो कोई चांस ही नहीं है यार इस बेस के ट्रिप पर निकलने का। सो 15% हम लोग ने यार यहाँ पे निकाल लिया है। सो गाइज अभी बारी आती है अपने हॉक्स की, अभी अपने को हॉक्स डालने हैं यहाँ पे। एंड पहले तो कुछ हॉक्स मैं इस तरह से डाल देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत यार फनल बन जाए अपने हॉक्स के लिए, फिर मैं स्पैम कर देता हूँ अपने सारे के सारे हॉक्स। एंड पीछे से आ जाएगा अपना वार्डन एंड विजार्ड्स भी यार मुझे डालने पड़ेंगे क्योंकि टाइम का इशू यार बहुत बार हुआ है मेरे साथ। एंड यहाँ पे पहली हीलिंग स्पेल आ जाएगी, क्वीन के ऊपर मैंने दोनों की दोनों स्केल्टन स्पेल डाल दिया, एक कोर हीलिंग स्पेल यहाँ पे आ जाएगी। एंड क्या लगता है गाइस, ओ बो भाई ये क्या हो रहा है यार, कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे टारगेट कर रही है। वार्डन की एबिलिटी मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी है एंड यहाँ पे एक कोर हीलिंग स्पेल आ जाएगी। एंड ओ भाई ये कहाँ चले गए यार, हीलिंग स्पेल से बाहर निकले गए अपने सारे के सारे हॉक्स यहाँ पे। एंड हम लोग ने यार हीलिंग स्पेल को यहाँ पे गलत यूज़ कर दिया। सो भाई साहब ये तो काफ़ी गंदा सीन हो गया यार हमारे लिए। 46% 60% तक तो यार अपने को अटैक निकालना है ये किसी तरह, क्या 60% तक निकाल पाएंगे। 51% एंड 52
नहीं यार 50 नहीं 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 गाइस 60% भी नहीं निकल पाएगा यार ये अटैक। 60% निकालना भी गाइस हमारे लिए यार काफ़ी मुश्किल है। 53 54 एंड अगर 60% निकल जाता है ना तो एटलीस्ट यार अपने को 20 ट्रॉफीज तो मिल ही जाएंगी। अगर 60% हम लोग यार निकाल लेते हैं तो 20 ट्रॉफीज अपने को मिल चुकी है, मिल सकती हैं गाइस। लेकिन मुझे नहीं लगता यार हम लोग निकाल पाएंगे यार यहाँ पे। 55 एंड एक ये डाउन हो जाएगा, 56 एंड अभी एक बैलून भी है जिसको मैं कहाँ पे डालूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बैलून को कहाँ पे डालूँ। 56% बैलून यहाँ पे डाल देता हूँ। क्या ये आरसी टावर यहाँ पे डाउन हो पाएगा? नहीं 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 होगा नहीं होगा नहीं होगा, आरसी टावर यहाँ पे डाउन नहीं होगा। 57% हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया इस अटैक को एंड देखते हैं भाई कितनी ट्रॉफीज अपने को मिलेगी यहाँ पे। 18 ट्रॉफीज गाइज अपने को मिल चुकी है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है 18 ट्रॉफीज अपने को मिल चुकी है। एंड हमारे पास यहाँ पे लाइव अटैक कर हो रहा है एंड अटैक कौन कर रहा है? मोहम्मद। अरे भाई मोहम्मद यहाँ पे अटैक कर रहा है एंड 15% बंदे ने यहाँ पे निकाल लिया है। क्या ये बंदा यहाँ पे टाउन हॉल तो डाउन हो जाएगा, ठीक है टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हो जाएगा। सीसी मेरा वहाँ पे निकल चुका है इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड दो बैलून यूज़ कर रहा हूँ मैं सीसी के अंदर। एंड ये गया भाई यहाँ पे टाउन हॉल, वार्डन की एबिलिटी आ जाएगी। हाँ गाइस वार्डन की एबिलिटी डाल दी बंदे ने। 30% इस ये बेस निकल चुका है। क्या ये बेस 3 स्टार भी निकल सकता है? नहीं 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 3 स्टार तो नहीं निकलेगा क्योंकि अभी मेरे पास अंदर कितने विजार टावर बचे हुए हैं, 4 विजार टावर्स बचे हुए हैं एंड एक मल्टी टारगेटेड इन्फर्नो भी है, एक विजार टावर इस तरफ है। सो बैट्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी गाइस ये अटैक कितना चला जाएगा। एटलीस्ट यार 70% तक जा सकता है। हाँ गाइस 70% तक जा सकता है इस तरफ से यार। उसने अपने सारे के सारे बैट स्पेल डाल दिए एंड फ्री स्पेल डाल दिए, दोनों के दोनों विजार टावर यहाँ पे फ्रीज कर दिए। एक और फ्री स्पेल डाल दी भाई विजार्स के ऊपर एंड लेट्स सी गाइज ये अटैक कैसे जाएगा। 55% 56 एंड नहीं 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 गाइज 59 क्वीन की एबिलिटी अभी तक पड़ी हुई है बंदे के पास। 3 आर्चर से वो भी डाल दिए एंड 62। अभी अच्छी बात ये है ना जो हीलर्स है ना वो पीछे आइस गोलम के पास है तो ये बात हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। 70% तक चला जाएगा ये अटैक। सो गाइज इससे पहले यार ये अटैक हमारी माइनस हो एक बार इंडिया में रैंक देख लेते हैं अटैक के बाद अपनी रैंक कितनी आई, ठीक है गाइस। तो नीचे चलते हैं एंड देखते हैं भाई रैंक कितने आई। 440 गाइस 440 अपनी रैंक आ चुकी है इंडिया में एंड ग्लोबल तो गाइस हम लोग यार काफ़ी नीचे होंगे ग्लोबल में, लेकिन हाँ इंडिया में अपनी रैंक काफ़ी अच्छी आ चुकी है 440, ज़्यादा बुरी भी नहीं है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर गाइस 1% वीडियो अच्छी लगी है ना फटाफट से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नोटिफिकेशन बेल दबाओ, नोटिफिकेशन बेल दबाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नोटिफिकेशन बेल दबाने से बंदा चैनल पे फर्स्ट आता है। सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।